सोशल मीडिया कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये आपको लास्ट वीडियो में पता चल ही गया होगा। और आप खुद भी तो सोशल मीडिया की पावर को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते ही होंगे। अगर इसे जनरल लैंग्वेज में समझे तो इसमें दो पावरफुल वर्ड शामिल है, सोशल और मीडिया। सोशल जहां सोसाइटी से जुड़ता है, वहीं मीडिया हर नई अपडेट को दूर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसलिए सोशल मीडिया की पहुंच और इसका असर इतना ज्यादा होता है। फिर चाहे दिल्ली के बाबा का ढाबा को पहचान दिलानी हो या फिर अपने बिजनेस को कस्टमर्स तक पहुंचाना हो, सोशल मीडिया हर काम बड़ी आसानी से कर देता है। लेकिन इसके लिए आपका प्लेटफॉर्म और स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए सोशल मीडिया की इस जनरल टॉक के बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ट्विटर, पिंटरेस्ट और क्वोरा जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस और ब्रांड को फेमस करके ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं हम ट्विटर से। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो आपको शॉर्ट पोस्ट सेंड और रिसीव करने की फैसिलिटी देती है। इन पोस्ट को ट्वीट कहते हैं। इसमें आप सिमिलर एकेडेमिक्स और पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पर लोगों को फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स और जनरल पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। यानी इसका एरिया बहुत वाइड है। यहाँ पर आप आसानी से अपना रिसर्च प्रमोट कर सकते हैं। ट्वीट्स और रीट्वीट्स के जरिए बहुत सारे लोगों तक तुरंत पहुंच बना सकते हैं। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो भी कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी बना सकते हैं। जहां तक बिजनेस की बात है तो ट्विटर आपके बिजनेस को प्रमोट करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर भी आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं, अपने वीडियोस, ब्लॉग कंटेंट और प्रेजेंटेशंस को प्रमोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंस्टेंट फीडबैक भी ले सकते हैं। इसे साल 2006 में जैक डॉर्से और उनके साथियों ने क्रिएट किया था और आज ट्विटर इतना फेमस है कि इसके 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और 145 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पूरी दुनिया में मौजूद ट्विटर के यूजर्स में से 63% की एज 35 से 65 साल है। यानी अगर आपका टारगेट इस एज ग्रुप के लोग हैं तो आपके बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट होगा। तो आइए अब आपको ट्विटर के पावरफुल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग के 7 इफेक्टिव टिप्स बताते हैं। टिप नंबर 1 है, प्रोफाइल बायो को ऑप्टिमाइज कीजिए। ट्विटर बायो में 160 कैरेक्टर्स में आपको अपने ब्रांड को इस तरह डिस्क्राइब करना होगा कि कस्टमर्स को ये समझ में आ जाए कि आप उन्हें क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए कंपनी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। इसे ऐसा बनाइए जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, ये शॉर्ट और टारगेटेड हो और आप इसमें हैशटैग्स भी यूज करें। इसके साथ साथ राइट ट्विटर हैंडल चुनिए। आपका ट्विटर हैंडल आपका यूजर नेम होता है। इसे शॉर्ट और इजी होना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से याद रख सके और आपको इजीली टैग कर सके। इसमें आपका कंपनी नेम इंक्लूड होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए प्रोफाइल पिक्चर में अपनी कंपनी का क्लियर और सिंपल लोगो लगाइए। आगे टिप नंबर 2 है, एंगेजिंग कंटेंट बनाइए। ट्रेंडिंग कंटेंट ऑडियंस को पसंद आता है, इसीलिए ऐसा कंटेंट बनाइए और इसके साथ कॉल टू एक्शन का यूज कीजिए, जैसे फॉलो अस, शॉप, सेल्स। इस कंटेंट के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कीजिए। साथ ही आप डेली ट्वीट करें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर एक्टिव बने रहना होगा। आपके ट्वीट रिच और यूनिक होने चाहिए, जिनकी शॉर्ट हेडिंग हो ताकि दूसरे लोग उसे आसानी से रीट्वीट कर सके। इररेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करने से बचिए। कंटेंट के अलावा सही कीवर्ड्स और हैशटैग्स का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैशटैग्स वाले ट्वीट्स को दुगुना एंगेजमेंट मिलता है। लेकिन हैशटैग्स के ज्यादा यूज से भी आपको बचना होगा, क्योंकि इससे आपका एंगेजमेंट लेवल लो हो सकता है। आगे टिप नंबर 3 है कि ट्विटर वीडियो पोस्ट कीजिए। विजुअल मार्केटिंग ऑडियंस पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है और सर्वे के अकॉर्डिंग 82% यानी कि 82% ट्विटर यूजर्स वीडियो कंटेंट देखा करते हैं और कंज्यूमर्स को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो देखना ज्यादा पसंद होता है बजाय पेज रीड करने के। इसीलिए अपनी कंपनी के वीडियोस ट्वीट कीजिए ताकि यूजर्स वीडियो के बाद प्रोडक्ट को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सके। आगे टिप नंबर 4 है, रीट्वीट को इंक्रीज करने के लिए इमेजेस पोस्ट कीजिए।
कंज्यूमर्स की एंगेजमेंट के लिए रेलेवेंट, कैची और हाई क्वालिटी इमेजेस को शेयर करें। अपनी पोस्ट की हुई इमेजेस को टैग कीजिए और अपने ब्रांड या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उस इमेज पर मेंशन कीजिए, क्योंकि इमेजेस के साथ किया गया ट्वीट हमेशा ऑडियंस की ज्यादा अटेंशन गेन करता है। आगे टिप नंबर 5 है, एनालिटिक्स ट्रैक करें। ट्विटर एनालिटिक्स के जरिए अपने कंटेंट पर ऑडियंस के रिस्पांस को ट्रैक करें, क्योंकि हर वर्ड, हर फोटो, वीडियो और फॉलोअर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकता है। इसकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर ट्विटर कैंपेन्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। टिप नंबर 6 है, ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन कीजिए। ट्विटर मार्केटिंग का ऑडियंस स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने टारगेट ऑडियंस का उनकी लाइक्स, इंटरेस्ट के बेस पर पता लगाइए और उनके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट कंटेंट पोस्ट करने की कोशिश करें। कमेंट्स पर पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, लेकिन ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स को एनकरेज करने की आपको जरूरत नहीं है। टिप नंबर 7 है, ट्विटर एड के जरिए प्रमोशन करें। ट्विटर पर एड रन करके आप टारगेट ऑडियंस तक बहुत जल्दी पहुंच बना सकते हैं, और एड रन करने के लिए आपको अपना ट्विटर एड अकाउंट सेटअप करना होगा और टारगेट ऑडियंस को चूज करना होगा, जिसे जेंडर, डिवाइस, इंटरेस्ट के बेस पर चूज करें। इसके बाद आपको अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा, जो कि ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन में से कुछ भी हो सकता है। अगले स्टेप में आपको ट्विटर के डिफरेंट एड टाइप्स में से बेस्ट टाइप सिलेक्ट करना होगा, और ये टाइप्स हैं प्रमोटेड ट्वीट्स, प्रमोटेड अकाउंट्स, प्रमोटेड ट्रेंड्स, प्रमोटेड मोमेंट्स और ऑटोमेटेड एड्स। तो एड टाइप सिलेक्शन के बाद आप एड का बजट सेट करेंगे, और आपको तभी पे करना होगा जब यूजर्स आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे या रीट्वीट, लाइक, रिप्लाई या आपके प्रमोटेड ट्वीट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए कोई मिनिमम स्पेंड लिमिट नहीं है और आप कभी भी इसे शुरू और स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद आप एड प्लेसमेंट चूज करके अपने एड कैंपेन को लॉन्च कर सकेंगे, और इस तरीके से इन 7 मार्केटिंग टिप्स की मदद से आप ट्विटर पर अपने बिजनेस को प्रमोट करके बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। ट्विटर के बाद अब चलते हैं अगले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक विजुअल डिस्कवरी इंजन है, जहां पर आप रेसिपीज, होम एंड स्टाइल इंस्पिरेशन जैसे कितने ही आइडियाज को ढूंढ सकते हैं। ये ऐसी सोशल साइट है जहां पर आप अपने इंटरेस्ट की इमेजेस कलेक्ट और शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क पर भी यूजर्स इमेजेस को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। यहां आप अपने बोर्ड्स पर किसी यूजर की पिन की हुई इमेजेस को सेव भी कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पर आपको 200 बिलियन से भी ज्यादा पिंस मिल जाएगी। इसे बेन सिल्वरमैन ने साल 2010 में लॉन्च किया था, और आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि इसके 367 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। पिंटरेस्ट के यूजर्स में 72% फीमेल यूजर्स हैं, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर आप आसानी से विमेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। और पिंटरेस्ट आपके बिजनेस को किस तरीके से बूस्ट कर सकता है, ये आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगा कि 83% यानी कि 83% यूजर्स पिंटरेस्ट पर किसी ब्रांड के कॉन्टेंट को देखने के बाद खरीदारी करते हैं। इसका मतलब पिंटरेस्ट के थ्रू अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचकर अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई जा सकती है। पिंटरेस्ट पर हर आइडिया एक पिन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक इमेज होती है। इस इमेज को पिंटरेस्ट यूजर्स सर्च और सेव करते हैं। इन पिन्स के जरिए लोग उन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाते हैं जिन्हें वो खरीदना चाहते हैं। और क्योंकि आप पिंटरेस्ट का यूज बिजनेस के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको हर पिन के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक इंक्लूड करना चाहिए। और अब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करने के लिए कौन से बेस्ट 7 टिप्स यूज किए जा सकते हैं। टिप नंबर 1 है, ब्रांडेड प्रोफाइल मेंटेन करें। आप पिंटरेस्ट के जरिए मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहले पिंटरेस्ट बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। आपकी कंपनी की प्रोफाइल इम्प्रेसिव और मेंटेन्ड होनी चाहिए। आपका बायो और प्रोफाइल फोटो इम्प्रेसिव हो, और आपको ऐसा कवर बोर्ड चूज करना चाहिए जो आपके ब्रांड का परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। आप अपनी वेबसाइट को भी अपने इस प्रोफाइल पर डिस्प्ले करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी प्रोफाइल पर आ सके। टिप नंबर 2 है, हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करें। बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह पिंटरेस्ट पर भी आपको हाई क्वालिटी कंटेंट ही पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि 90% पिनर्स का कहना है कि पिंटरेस्ट की मदद से वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। आपके कंटेंट में हाई क्वालिटी फोटोज, वीडियोस होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स को बेस्ट वे में प्रेजेंट करें। टिप नंबर 3 है कि अपने ब्रांड के लिए बोर्ड्स क्रिएट करें। पिंटरेस्ट बोर्ड्स पर आप अपनी पिन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और दूसरे पिनर्स के साथ न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए इसे पब्लिक भी कर सकते हैं। आप एक ब्रांड होने के नाते बोर्ड्स का ऐसा कलेक्शन रखिए जिसमें
पिन्स ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज्ड रहे ताकि फॉलोअर्स के लिए सर्च करना आसान हो सके। आपको अपने ब्रांड से रिलेटेड बोर्ड्स क्रिएट करने चाहिए और ऐसे पिनर्स से इंटरैक्ट करते रहना चाहिए जो आपके पिन्स को सेव करे या आपके कंटेंट पर कमेंट करे। टिप नंबर 4 है, अपने बिजनेस अकाउंट पर रिच पिन्स अनेबल करिए। रिच पिन्स आपकी पिन्स में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करती है और आप इन 4 रिच पिन्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट पिन। पिंटरेस्ट पर एक ऑनलाइन रिटेलर अगर प्रोडक्ट पिन्स को यूज करता है तो कस्टमर्स के लिए शॉपिंग करना आसान हो जाता है। इस तरह की रिच पिन में रियल टाइम प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट को परचेज करने से जुड़ी सारी जानकारियां होती है। दूसरा है रेसिपी पिन। अगर आपका फूड बिजनेस है तो ये पिन आपके लिए बेस्ट है। ये रेसिपी पिन आपकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग टाइम और सर्विंग साइज का स्नैपशॉट एक ही पोस्ट में शो कर देगी। तीसरा है आर्टिकल पिन्स। अगर आप एक पब्लिशर या ब्लॉगर है तो आर्टिकल्स पिन्स के जरिए आपके फॉलोअर्स आर्टिकल्स और पोस्ट को इजीली सेव और शेयर कर सकेंगे। हर आर्टिकल पिन में हेडलाइन, ऑथर और कहानी का डिस्क्रिप्शन हाइलाइटेड रहता है। चौथा है ऐप पिन्स। अगर आपके पास अपने बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन है जिसके लिए आप पिंटरेस्ट पर न्यू ऑडियंस तक पहुंच बनाना चाहते हैं, तो ये पिन आपके लिए परफेक्ट है। इस ऐप पिन में इंस्टॉल बटन होता है जिससे आपके यूजर्स पिंटरेस्ट पर रहते हुए ही आसानी से आपके ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। टिप नंबर 5 है, अपनी पिन्स पर सर्च फ्रेंडली कैप्शंस लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि पिंटरेस्ट ब्यूटीफुल इमेजेस के लिए सर्च इंजन है, इसीलिए अपनी ऑडियंस तक अपनी पिन्स पहुंचाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है पिन्स में ऐसे कैप्शंस को जोड़ना जिनमें आपके की सर्च टर्म्स भी इंक्लूड हो। आगे टिप नंबर 6 है, पिंटरेस्ट पर एड क्रिएट करिए। पिंटरेस्ट पर एड रन कराने के लिए आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा और पिंटरेस्ट टैग इंस्टॉल करना होगा। पिंटरेस्ट एड्स मैनेजर पर न्यू एड क्रिएट करना होगा और यहाँ पर आप पिंटरेस्ट कैंपेन्स को क्रिएट, एडिट और मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अपना कैंपेन गोल सेट करना होगा, जो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना, ऐप इंस्टॉलेशन इंक्रीज करना या वीडियो व्यूज के जरिए अवेयरनेस को बिल्ड करना हो सकता है। अब आगे आपको एड ग्रुप डिटेल्स को एंटर करना है जिससे कि आपको अपने कैंपेन के बजट, रनिंग डेट्स और टारगेटिंग पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आपको ऑडियंस, कीवर्ड, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और प्लेसमेंट्स जैसे ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद बजट और शेड्यूल सेट होगा, इसीलिए उस डेट को सिलेक्ट करना होगा जब ये कैंपेन शुरू करना है और बजट और मैक्सिमम बिड मेंशन करनी होगी। पिंटरेस्ट पर एड की कॉस्ट भी आपके कैंपेन टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, लेकिन जनरली स्मॉल और मिड साइज्ड बिजनेसेस को 10 सेंट से $1.50 पर क्लिक पे करना होता है। इसके बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक पिन सिलेक्ट होगी और अपनी बिलिंग इन्फो सेटअप करनी होगी, जिसके बाद एड रिव्यू होगा और उसके बाद आपका एड रन करेगा। टिप नंबर 7 है, अपने पिंटरेस्ट मैट्रिक्स को ट्रैक करें। पिंटरेस्ट एनालिटिक्स की मदद से आप अपनी पिंटरेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि हर महीने आपके प्रोफाइल और पिंस को कितने इम्प्रेशंस मिले हैं, कौन सा कंटेंट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। और इस तरीके से इन 7 इफेक्टिव और इजी मार्केटिंग टिप्स की मदद से आप पिंटरेस्ट पर भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिंटरेस्ट पर अपने बिजनेस को पिन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्वोरा से रिलेटेड मार्केटिंग टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये तो जान लीजिए कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग के लिए क्वोरा कैसे फायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपने प्रोफेशनल ब्रांड को अपनी इंडस्ट्री में एक अथॉरिटी के रूप में बिल्ड करना चाहते हैं तो लोगों के सवालों के जवाब दीजिए, और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्वोरा। क्वोरा एक क्वेश्चन एंड आंसर साइट है जहां पर यूजर्स किसी भी स्ट्रीम का सवाल पूछ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। साल 2010 में लॉन्च हुई इस साइट पर आप स्पेसिफिक क्वोरा यूजर से सवाल कर सकते हैं, अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल भी सर्च कर सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वोरा पर आप 7 लाख मंथली विजिटर्स के बीच में अटेंशन गेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सवालों के आंसर दे सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे सवाल फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं। क्वोरा पर आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करके आप उस प्रोडक्ट और ब्रांड की नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर जरूर दिखाई देगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्वोरा की 7 इफेक्टिव मार्केटिंग टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1 है, ऑप्टिमल क्वोरा प्रोफाइल क्रिएट करें। क्वोरा आपके प्रोफाइल के फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स को शो करता है जिसमें आपका नाम और बायो शामिल होता है या आपके आंसर के ऊपर टैगलाइन में शो होता है।
इसे आप अपनी ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और अपने ब्रांड नेम को आंसर की शुरुआत में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक स्पेसिफिक बायोस भी बना सकते हैं ताकि आप जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट हो, जैसे इंजीनियरिंग या सोशल मीडिया, आप उसे क्वोरा पर पूछे गए सवालों के आंसर के रूप में शो कर सकेंगे। आपको क्वोरा में डिटेल्ड अबाउट मी सेक्शन भी ऐड करना चाहिए और अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट को भी जरूर जोड़ना चाहिए। टिप नंबर 2 है, आंसर देने के लिए बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करें। यूं तो आप क्वोरा पर पूछे गए किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं और कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने के साथ साथ नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केटिंग पॉइंट व्यू से आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए और अपने एक्सपर्टीज वाले फील्ड के क्वेश्चन सर्च करें। ये क्वेश्चन आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और आपका आंसर शॉर्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए, और इसके एंड में आप रेफरेंस का लिंक भी दे सकते हैं। और हाँ, क्वोरा पर ज्यादा अपवोट्स गेन करने के लिए क्वेश्चन पोस्ट होने के बाद जितना जल्दी आंसर पोस्ट कर सके उतना जल्दी पोस्ट कर दें। ऐसे में आपके आंसर को ज्यादा अपवोट्स मिलने लगेंगे और अपवोट्स ये बताते हैं कि आंसर हेल्पफुल रहा है। ऐसे में आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट और ट्रस्ट दोनों डेवलप होंगे, जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। टिप नंबर 3 है, कस्टमर सपोर्ट के जरिए हेल्प दीजिए। क्वोरा के जरिए आप अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप यूजर्स को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डेवलप करिए। क्वोरा पर भी आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकेंगे। टिप नंबर 4 है, क्वोरा स्टैट्स को एनालाइज करिए। क्वोरा सभी यूजर्स को फ्री एनालिटिक्स प्रोवाइड कराता है, जिसके जरिए आप व्यूज, अपवोट्स और शेयर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ये एनालिसिस आपके पूछे हुए क्वेश्चंस, आपके दिए हुए आंसर्स, आपके द्वारा लिखे गए ब्लॉग पोस्ट और आपके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए सारे कंटेंट के बेस पर होता है। टिप नंबर 5 है, बोर्ड्स पर कंटेंट शेयर करिए। अपने फेवरेट क्वेश्चंस आंसर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपनी क्वोरा प्रोफाइल पर दूसरी साइट से कंटेंट कलेक्ट करने के लिए आप क्वोरा बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और इस पर कंटेंट ऐड करना शुरू कर सकते हैं। टिप नंबर 6 है, प्रोफाइल फॉलो करने के लिए एनकरेज करिए। आप क्वोरा यूजर्स को आपका प्रोफाइल फॉलो करने के लिए एनकरेज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वोरा रिसोर्सेज पेज पर मौजूद क्वोरा फॉलो बटन यूज करना होगा। आगे टिप नंबर 7 है, क्वोरा एड कैंपेन सेट करें। क्वोरा पर एड रन कराने के लिए आपको क्वोरा पर अपना प्रोफाइल बनाने के बाद एड्स मैनेजर पर कैंपेन क्रिएट करना होगा, जिसमें अपने कैंपेन का नाम एंटर करने के बाद कन्वर्जन्स ऐप इंस्टॉल ट्रैफिक और अवेयरनेस में से अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद बजट और शेड्यूल सेट करना होगा। इसके बाद एड सेट लेवल पर प्राइमरी टारगेटिंग सेट करनी होगी, जैसे ऑडियंस टारगेटिंग, बिहेवियरल टारगेटिंग और ब्रॉड टारगेटिंग। आपको सीपीसी बिड भी सिलेक्ट करनी होगी। मिनिमम बिड 20 सेंट हो सकती है, लेकिन आपके एड के लिए कितनी बिड सही रहेगी ये बहुत हद तक उस एड प्लेसमेंट पर रहने वाले कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करेगा। अपना एड सेट करने के लिए इनमें से एड फॉर्मेट भी चूज करना होगा, इमेज एड, टेक्स्ट एड, प्रमोट एंड आंसर। नेक्स्ट स्टेप में अपने एड रिलेटेड डिटेल्स, जैसे कि एड नेम, बिजनेस नेम, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज यूआरएल और कॉल टू एक्शन फिल करनी होगी। इसके बाद पेमेंट मेथड ऐड करके ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपका एड कैंपेन लॉन्च हो जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकेंगे और इस तरीके से आप क्वोरा का सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, पिंटरेस्ट और क्वोरा पर मार्केटिंग करने के टिप्स जाने हैं, और आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सूटेबल प्लेटफॉर्म को चूज करना है और अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टेंट पोस्ट करना है। इसके बाद ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपने आप आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्प करेगी। और क्विक सपोर्ट आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मददगार लगा हो, तो इसे लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।